आप देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ₹2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के फैसले का उनके पति ने किया स्वागत। पेंशन फंड नियामक PFRDA अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन की राशि की सीमा को बढ़ाकर 10,000। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए तमाम हिंदू संगठनों के स्वर तेज। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मिर्च फेंकने का आरोपी बार बार बदल रहा बयान। और दिल्ली में लगे जैश ए मोहम्मद के 2 खूंखार आतंकियों के पोस्टर हाई अलर्ट पर पुलिस। अब खबरें विस्तार से। सिद्धार्थनगर में 12 रबीउल अव्वल बड़े ही अकीदत के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने भारी संख्या में जुलूस निकाला। बेवा चौराहे से डुमरियागंज और बासी कस्बे से नरकठा तक निकाले गए जुलूस में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। सिद्धार्थनगर में 12 रबीउल अव्वल बड़े ही अकीदत के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने भारी संख्या में जुलूस निकाला। बेवा चौराहे से डुमरियागंज और बासीगंज कस्बे नरकठा तक निकाले गए जुलूस में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। जुलूस की अगुवाई गरीब नवाज के सदर अब्दुल हकीम निजामी ने किया। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन पैगम्बर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब की पैदाइश है और उन्होंने पूरी दुनिया को अमन व भाईचारा का संदेश दिया था। उन्हीं की याद में आज हम लोग 12 रबीउल अव्वल मना रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब ने इंसानियत को एक नई दिशा दी थी। लोगों से छुआछूत छोड़ एकजुट हो जाने का भी पैगाम दिया था और वह यही चाहते थे कि पूरी दुनिया में अमन कायम रह सके। आपका नाम क्या है और आप मदरसे में हैं क्या? मेरा नाम अब्दुल हकीम निजामी, मैं दारुल उलूम अहले सुन्नत फैज़ुन नबी का प्रिंसिपल हूँ। आप ये बताएं, आज 12 वफात है, 12 वफात के माध्यम से आप देश और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम पूरे आलम इस्लाम को रबीउल अव्वल शरीफ की मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह ताला ने प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजा। आज उनका यौम मीलाद है, मेरे नबी की आज पैदाइश है, खुशी के मौके। कहाँ रहने वाले हैं? सुनुल्ला, मेरा नाम है, त्रिलोकपुर का रहने वाला हूँ। ये बताइए, आज जो है 12 वफात है, 12 वफात आप लोग मनाते क्यों हैं? इसलिए मनाते हैं, आज हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, इसलिए हम लोग खुशी मनाते हैं। आप समाज को इसे कुछ संदेश देना चाहते हैं? इसे समाज को हम सही संदेश देना चाहते हैं कि समाज में कोई भड़काव और कोई चीज की बात ना हो, शांति व्यवस्था बनाए रखने की। बैकुंडपुर थाने में पदस्थ राकेश सिंह भदौरिया कांस्टेबल बोलेरो में बैठकर रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे हैं। बैकुंडपुर अंतर्गत नगर पंचायत बोलेरो गाड़ी में यह जो पुलिस आला अधिकारी की गाड़ी बैकुंडपुर थाना प्रभारी की गाड़ी है। अब सबको इस खबर से रूबरू करा रहा हूं। जिला रीवा थाना बैकुंठपुर थाने में पदस्थ कांस्टेबल राकेश सिंह भदौरिया जी, आप बताइए, बुलेरो में बैठकर रुपए ले रहे हैं। बैकुंठपुर अंतर्गत नगर पंचायत बुलेरो गाड़ी में जो यह पुलिस आला अधिकारी की गाड़ी बैकुंठपुर थाना प्रभारी की गाड़ी है, बताइए कि इनकी स्थिति जो थाना प्रभारी को गाड़ी चलाने के लिए सरकारी गाड़ी का मजाक बना ली है। नगर पंचायत बैकुंठपुर जिला रीवा मध्य प्रदेश से लेकर सिरमौर मार्ग तक लोगों को निकलना बड़ी मुश्किल हो रहा है। मार्ग में अगर आदमी मोटरसाइकिल या फोर व्हीलर से किसी भी वाहन से निकले तो निकलना बहुत ही मुश्किल है। देखिए खबर में। नगर पंचायत बैकुंठपुर जिला रीवा मध्य प्रदेश से लेकर सिरमौर मार्ग तक लोगों का निकलना मुश्किल पड़ रहा है। मार्ग में अगर आम आदमी मोटरसाइकिल या फोर व्हीलर किसी भी वाहन से निकले तो निकलना मुश्किल है। आगरा हाल ही में देश में दिल दहला देने वाली घटना यानी अमृतसर में आतंकी हमले के बाद अब दिल्ली में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके बाद ताजनगरी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन RPF और GRP के आला अधिकारियों ने स्टेशन परिसर का भी जायजा लिया। आगरा हाल ही में देश में दिल दहला देने वाली घटना यानी अमृतसर में आतंकी हमले के बाद अब दिल्ली में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके बाद ताज नगरी में आगरा कैंट रेलवे स्टेशन RPF और GRP के आला अधिकारियों ने स्टेशन परिसर का जायजा लिया। स्टेशन में दाखिल होने वाले हर व्यक्ति की चेकिंग ठीक तरीके से करने के आदेश दिए, तो वहीं CCTV कैमरों से निगरानी रखने के आदेश दिए।
पे हम यही एसेस कर रहे हैं कि जो एक्सेस कंट्रोल है स्टेशन का वो कितना अच्छा है, कितना हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चीज़ें हम उसमें टेकअप कर सकते हैं, क्या क्या कमियाँ हैं, तो उसका एक एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा रूटीन चेकिंग डॉग स्क्वाड के साथ वो हम RPF से, डिस्ट्रिक्ट पुलिस से, सब जगह से कोऑर्डिनेट करके वो भी करवा रहे हैं। और उसके अलावा अपना एक्सेस कंट्रोल हम लोग चेक कर रहे हैं कि कितनी हद तक जो हमारे कंट्रोल रूम है उसमें जो कैमरेज लगे हुए हैं GRP और RPF के मिला के, उस सबको हम लोग चेक कर रहे हैं कि उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे हम अपनी चीज़ों को बेटर कर सकते हैं ताकि वी कैन प्रिवेंट एनी सच मिस हैपनिंग्स। जानकारी क्या मिली है? देखिए काफ़ी हद तक हमारी चीज़ें ठीक हैं और उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट का भी स्कोप है। जैसे हमारे CCTV कैमरेज हैं उनका रेजोल्यूशन हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जो एक्सेस कंट्रोल हमारा हो रहा है उसमें हम लोग चेक थोड़ा बढ़ा सकते हैं। स्टेशन परिसर में दाखिल होने वाले हर संदिग्ध पर नज़र रखी जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सभी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस को हमेशा यही कहते नजर आते हैं कि पीड़ित की तत्काल सुनवाई हो और मुकदमा भी दर्ज हो। वहीं बांदा पुलिस में आए दिन एक नया कारनामा भी नजर आता रहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सभी दावे फेल नजर आ रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश की पुलिस को हमेशा यही कहते नजर आ रहे हैं कि पीड़ित की तत्काल सुनवाई हो और मुकदमा दर्ज हो, वहीं बांदा पुलिस का आए दिन एक नया कारनामा नजर आता है। वहीं मठौत थाना इंचार्ज का तानाशाही रवैया हर वर्ग के लोगों को दुखदायी देता है। हाल ही एक पीड़ित के साथ अभद्र व्यवहार और मुकदमा न दर्ज कर पीड़ित के ऊपर ही मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे डाली। अच्छा सफात खान जी, किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ है, क्या हुआ? भी थी और भतीजी भी थी और सिस्टर भी थी बहनें, वो लोग डांस कर रही थी तो कुछ लोग गांव के आ गए थे, यानी उधर डांस करने लगे, उनको यानी मना किया गया कि भाई साहब आप यानी दूसरी जगह डांस कर लीजिए, उसी वो आदमी हो गया था। अच्छा कौन लोग थे जो डांस कर रहे थे? हम सब गांव के थे लेकिन हम नाम नहीं जानते। अच्छा फिर इसके बाद क्या आप लोग थाने गए हैं? थाने गए थे, उधर से यानी एक आध घंटा भी बैठे रहे लेकिन उन लोगों ने बोला कि यानी सुबह आना, यानी ऐसा कुछ नहीं बोला था, तुमको भी बिठा लेंगे। कौन कह रहा था ये आपसे? ये थाने थानेदार थे। अच्छा मुकदमा आपका नहीं लिखा गया? नहीं लिखा गया। ना ही डॉक्टरी हुई है? डॉक्टरी यानी इधर से हुई थी और वो कागज यानी दिए थे, टांके वाके लगाए थे, वो बोल रहे थे कि थाने कंप्लेंट करके आओ फिर उसके बाद आना। आज आप कहाँ पर आए हैं, मजबूरी में कहाँ पे आना पड़ा आपको? जी जब ये साहब के पास इधर पे। अच्छा कहाँ पे साहब के यहाँ आए? तभी पीड़ित पक्ष रात में वहां से भागकर बांदा SP आवास पहुंचे, जहां उन्होंने SP से न्याय की गुहार लगाई है। पूरी रात पीड़ित दरबदर भटकते रहे, पीड़ित अब SP के संज्ञान में बात आई है तो पीड़ितों को मेडिकल कराया और मुकदमा भी लिखा गया। इसमें जो बरातदारों की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है उसके जो भी धारा बन रही थी उसमें गाँव में कदम पंजीकृत करवा दिया गया और उनका मेडिकल करवा दिया गया, तदनुसार कर्म कार्रवाई करवाई जा रही है। अच्छा जो घायल लोग हैं पहले थाने गए थे, थाने सबको भगा दिया गया, सुबह 5 बजे जब आला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद मेडिकल, ऐसा क्यों, क्या कारण था कि उस टाइम मेडिकल नहीं हुआ? देखिए मुझे जहाँ तक जानकारी है कि थाने पे जाने के बाद जो तहरीर प्रस्तुत की गई उसके आधार पर थाने से ही जितनी बदलू भी बनवा के जो प्रक्रिया होती है उसको पालन करते हुए जिला अस्पताल उनका मेडिकल करवाया गया और बाकी जो आप बात बता रहे हैं अगर ऐसा है तो उसकी जाँच करवा दी। इस तरह से हर बार कहीं ना कहीं बांदा पुलिस की कारगुजारी में सवाल उठते रहते हैं। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए HBN न्यूज। आप देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर।